think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay, won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feeling in my bones. I'm coming for the, coming for the. हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त साकिब राज और आप देख रहे हैं माय स्पेयर फिशिंग शो। तो आज हम हैं अपने बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्तों के साथ। तो आज हमारे स्पेयर फिशिंग पे वेदर बहुत अच्छा है, विंड बहुत कम है, लेकिन विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। क्या दिखाएगा साथ, विजिबिलिटी कितनी अच्छी है। यस ब्रदर, तो आज हम आए कैश क्रिल बुक करने। तो माशाल्लाह आज जो है हम बिरयानी बनाएंगे और अभी हम सुबह के 7 बज रहे हैं। अभी हम जाएंगे, पहला स्पॉट हमारा आने वाला है, तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह साथ रहे, बहुत मजा आने वाला है। यस दोस्तों, तो ये हमारी जो है सुबह की पहली डाइव है और हम डायरेक्ट डाइव स्टार्ट करते ही है, क्योंकि आज मैं अपने फ्रेंड के साथ था लेकिन मैं बहुत लेट था, तो इस वजह से वो मुझसे पहले जा चुके हैं और अभी जो है मैं बिल्कुल अकेला हूं और अब सोलो डाइव कर रहे हैं। और आज चांद की 14 तारीख है, फुल मून है और फुल मून के अंदर जो है ग्रुपर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे आप जानते हैं या नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी, जो ग्रुपर्स होते हैं ये डायरेक्टली एग्स जो है ना अंडे नहीं देते, ये स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग क्या है इसके ऊपर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो आज हमारी सुबह मॉर्निंग की पहली डाइव है, मॉर्निंग तो नहीं है, काफ़ी लेट हो चुका हूँ, तो बहुत ही जल्दी जल्दी कुछ करना पड़ेगा वरना वो मेरे दोस्त जो है मुझसे आगे सबकत ले जाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी केव है और अक्सर जो है इस केव के अंदर ग्रुपर्स होते हैं। जब भी आप हिट करें, शूट करें किसी भी ग्रुपर को, तो एक दो दिन में कोई ना कोई दूसरा ग्रुपर आके इसको अपना घर बना लेता है। तो ये पहली डाइव है और बहुत ही स्मूथ डाइव हो रही है, क्योंकि पानी की विजिबिलिटी बहुत अच्छी है और ये केव्स ऐसी हैं कि अगर एक बार उसको पता चल जाए, डर जाए। तो देखें, एक मुझे ग्रुपर नज़र आया है, तो ये मॉर्निंग का पहला ग्रुपर है और इसको हिट करते हैं इंशाल्लाह। और ये देखें, परफेक्ट शॉट है इसका, हेड शॉट लगा है, तो ये लेते हैं। तो मैं कह रहा था कि आज मेरे दोस्त जो हैं वो मुझसे पहले जा चुके हैं और मैं आज बाद में फिर मैं अकेला आया हूँ, तो इसलिए जो है काफ़ी लेट भी है। तो ग्रुपर आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपर्स चाहिए, ग्रुपर की बहुत नीड है आज, तो आज हम ग्रुपर्स ले रहे हैं। आज सिर्फ और सिर्फ हम जो है ग्रुपर्स का हंट करेंगे। देखिए, परफेक्टली जो है हेड शॉट इसका लगा है, बिल्कुल सेंटर ऑफ द आईज है और बहुत ही अच्छा मैच्योर साइज़ का, बहुत ही फैटी ग्रुपर है, लेकिन ये क्लिफ्टन की इतना ज़्यादा फैटी नहीं है, क्योंकि क्लिफ्टन और किमाड़ी के जो ग्रुपर हैं आप जानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा फैटी ग्रुपर, बहुत ज़्यादा मोटे सेहतमंद ग्रुपर्स होते हैं, लेकिन इधर भी ग्रुपर बहुत ज़्यादा हैं। आज बहुत ही सीक्रेट स्पॉट पे आया हूँ और अकेले होने की वजह से आज मैं वो स्पॉट देखूंगा जहाँ मैं बहुत ही कम जाता हूँ, या तो मैं जाता हूँ तो बिल्कुल ही अकेला जाता हूँ जहाँ मैं किसी को लेके नहीं जाता। तो ये पहला ग्रुपर हमें माशाल्लाह मिल चुका है और काफ़ी लाइफ नज़र आ रही है ग्रुपर्स की, तो उम्मीद है कि आज काफ़ी ग्रुपर्स हमें मिलेंगे। तो आज हम एक बहुत ही सीक्रेट स्पॉट के ऊपर हैं। ये देखें, एक ही ये भी बहुत ही नाइस और मैच्योर साइज़ का ग्रुपर है, यह हमें देख रहा है, शायद आपको ना दिखे या गौर से देखें तो, क्योंकि विजिबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा क्रिस्टल नहीं है, लेकिन ये जो हल्का सा मर्कीपना जो आपको नज़र आ रहा है, धुंधला सा पानी, तो ये बेस्ट जो है ना ये विजिबिलिटी है स्पेयर फिशिंग के लिए, क्योंकि स्पेयर फिशिंग में बहुत ज़्यादा क्रिस्टल विजिबिलिटी भी नहीं चाहिए होगी। तो ये ग्रुपर भी बहुत अच्छा है और ये आई थिंक ये पोटैटो ग्रुपर है हमारा। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रुपर की बहुत सारी स्पीसीज़ होती हैं, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा लजीज और मज़े का जो ग्रुपर होता है वो पोटैटो ग्रुपर होता है। तो ये भी एक अच्छे साइज़ का ग्रुपर है और बिल्कुल अकेला हूँ और इस टाइम भी सुबह 10:30-11 बज रहे, कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन देखिए कितने मैच्योर और माशाल्लाह बहुत ही फैटी ग्रुपर है ये भी। तो इसलिए आज मैं बहुत लेट हूँ, मेरे दोस्त मुझसे आगे गड़ानी की तरफ गए हुए हैं और मैं उनसे बहुत दूर हूँ, तो शाम को वापस तो एक ही टाइम पे आएंगे इंशाल्लाह, तो उनका मुकाबला करना तो मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, तो उसके लिए मुझे जो है अपने उन स्पोर्ट्स पे जाना पड़ेगा जहाँ मैं काफ़ी अरसे से नहीं गया, तो वहाँ पे लाजमी इंशाल्लाह ग्रुपर्स होंगे। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ जो है वो आपको आज समंदर लग रहा है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है स्पेयर फिशिंग के लिए। वैसे बहुत क्रिस्टल नहीं है, लेकिन ये स्पेयर फिशिंग के लिए बहुत ही सूटेबल विजिबिलिटी होती है। तो ये हमारी सेकंड डाइव है और जैसे मैंने आपको बताया कि आज जो है हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुपर्स लेंगे और मुझे लॉबस्टर भी काफ़ी ज़्यादा आज जो है लॉबस्टर नज़र आ रहे हैं, तो लॉबस्टर भी हम काफ़ी कैच करेंगे। तो इससे पहले तो हम ग्रुपर्स को इंट करेंगे। देखिए, एक और ग्रुपर जो है, ये जो आपको लेफ्ट पे रॉक दिख रही है ऊँची सी, इसके साइड पे देखें, राइट पे, ये बिल्कुल मेरी गन की स्पीयर की टिप के सामने देखें, एक और ग्रुपर देख रहा है। आप देखें, नोट कीजिए कि ज़्यादातर ग्रुपर है अभी जो है ना ज़मीन पे नहीं है, सरफेस सी बेड से काफ़ी ऊपर है, जैसे ये देखें बीच पानी में खड़ा हुआ है। तो इस तरह जब जब चांद की 14 तारीख होती है
तो ये सारे फुल मून के अंदर सारे ग्रुपर्स एक जगह जमा हो जाते हैं और स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग क्या होती है वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन माशाल्लाह ग्रुपर्स की काफ़ी अच्छी लाइफ मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ग्रुपर भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी आज ग्रुपर की नीड है, तो मुझे आज कम से कम 15-18 ग्रुपर्स तो चाहिए। तो उसके लिए आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुपर हंट करेंगे। और जो है डाइव चल रही है माशाल्लाह, ये थर्ड ग्रुपर है मॉर्निंग का। और जैसे मैं आपको फिर पहले भी बताया कि आप मॉर्निंग तो नहीं है, इस टाइम सुबह के 11 बज रहे हैं, और कभी ऐसा होता नहीं है कि हम इतना लेट जो है स्पेयर फिशिंग स्टार्ट करें, क्योंकि स्पेयर फिशिंग का जो मज़ा है वो अर्ली मॉर्निंग ही आता है। तो बाकी मेरे दोस्त तो बिल्कुल ही सुबह सुबह वहाँ पहुँच चुके होंगे, तो मैं 3-4 घंटे तो लेट हूँ, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं तो ये हो जाए। देखें ये बहुत ही ज़्यादा क्या कहेंगे कि ग्रीनिश कलर के ऊपर आज की जो विजिबिलिटी है वो आएगी। ये भी एक अच्छे साइज़ के मैच्योर ग्रुपर है। बहुत सा छोटे साइज़ के ग्रुपर जो अंडर 2 kg या 1.5 kg होते हैं उसको शूट नहीं करते। तो ग्रुपर्स ये हमारा आई थिंक कोई फोर्थ ग्रुपर है आज का। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ ग्रुपर की हंटिंग करने आए, तो काफ़ी दिनों के बाद इस एरिया में आना हुआ है, क्योंकि इधर नॉर्मली मैं किसी को लेके नहीं आता। जब भी इस एरिया में जब आता हूँ तो मैं अकेला होता हूँ, या बहुत ही ख़ास पार्टनर, जैसे आपको पता है साद मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और वो हमेशा मेरे साथ होता है, तो वो अभी बिज़ी है। और आज तो वो आया है, वो आगे कचहरी गया है, तो मैं थोड़ा लेट हूँ। तो देखिए इंशाल्लाह मुकाबला करते हैं, उनको पास तो एक्स्ट्रा 3-4 घंटे मिल चुके हैं स्पेयर फिशिंग के लिए, लेकिन मैं काफ़ी लेट हूँ। तो माशाल्लाह अभी तक जो है मेरे 4-5 ग्रुपर्स हो चुके हैं। वो देखें, मैंने जैसे आपको कहा ना, जब फुल मून होता है तो ग्रुपर बॉटम से ऊपर उठता है। देखिए सारे ग्रुपर, ये देखिए कहाँ खड़ा हुआ है, ये बॉटम से काफ़ी फिट जो है ना सरफेस से ऊपर आया। तो आज सारे ग्रुपर्स जो हैं वो हमें ऐसे ही मिलने वाले। और जैसे आपको बताया फुल मून के अंदर ग्रुपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जब भी चांद की 14 तारीख होती है तो वो ग्रुपर के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल होता है स्पेयर फिशिंग के लिए, स्पेशली ग्रुपर्स के लिए। और स्पॉनिंग खाली ग्रुपर नहीं करता, रेड स्नैपर हो गया, डेंटिक्स हो गई, और आपका ग्रंटर हो गया, और गोल्डन स्नैपर हो गया, ये सारी फिशेज जो है इनके पेट से कभी भी आपको अंडे नहीं मिलेंगे, ये सारी स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कुछ वीडियोस हैं स्पॉनिंग की मेरे कि वो क्या होता है उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। देखिए बहुत ही अच्छे और मैच्योर साइज़ का ग्रुपर मिला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज माशाल्लाह अभी तक 4-5 ग्रुपर हो चुके हैं थोड़ी देर के अंदर। और देखिए कितने साइज़, कितने अच्छे और मैच्योर साइज़ के ग्रुपर हैं। और अच्छी बात यह है कि आज सारे ग्रुपर्स का जो है ना परफेक्टली हेडशॉट मिल रहा है, बहुत ही अच्छे शॉट मिल रहे हैं। इसकी वजह क्या है कि एक तो इस जगह पे डाइवर्स बहुत कम आते हैं, बहुत ही सीक्रेट स्पॉट है, तो यहाँ पे अगर मैं नहीं आता तो ज़्यादातर ग्रुपर्स ने इंसानों को नहीं देखा होता, कोई ज़ख्मी नहीं हुआ हुआ यहाँ पर। अगर होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि यार ये जो आते हैं ये हमें पकड़ते हैं, ये जो बड़े फिंस बड़े पैर वाले जो लोग आते हैं, तो इसलिए इधर बहुत ही जो है ये बहुत ही ईजीली हम कैच कर रहे हैं इनको। ये देखें सामने केव के अंदर, ये भी एक बहुत ही अच्छे साइज़ का ग्रुपर लग रहा है, और देखें इंशाल्लाह इसका भी हेड शॉट होगा। और नो गन मेरी लॉक थी, इसको दोबारा ऑन करते हैं, और ये माशाल्लाह और ये परफेक्टली जो है हेड शॉट लगा है इसका। ये देखें ये भी बहुत ही नाइस साइज़ का ग्रुपर है, ये क्लिफ्टन की तरह 30-40-50 kg वाले ग्रुपर नहीं है, लेकिन फिर भी अंडर 5-6-7-8-10 kg तक के ग्रुपर्स हैं, बहुत ही मज़े के ग्रुपर्स हैं। इसमें कुछ पोटैटो ग्रुपर्स भी हैं और दूसरे ग्रुपर्स भी हैं, तो ग्रुपर काफ़ी हो गए माशाल्लाह, 6-7 हो गए। उसके अलावा भी मैं हर ग्रुपर को आपको जो नहीं दिखा रहा, क्योंकि माशाल्लाह आज ग्रुपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो बैटरी भी बचानी होती है। तो हम जो भी हैं अच्छे ग्रुपर्स उसकी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन काफ़ी ग्रुपर्स जो हैं आज हमारे पास हो चुके हैं। तो उम्मीद है बस एक मॉन्स्टर मिल जाए, मॉन्स्टर की तलाश है, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है हमें बारबेक्यू प्लेटर बनाना है किसी के लिए, तो उसके लिए हम चाहते हैं बड़ा ग्रुपर्स मिले। लेकिन छोटे ग्रुपर्स भी आई थिंक वो 12-15-16 ग्रुपर्स मेरे पास हो चुके हैं। तो जैसे ये पोटैटो ग्रुपर है, ये फिश स्टिंगर है, क्योंकि हर जो ग्रुपर होता है उसको हम बोट पे रखने बार बार नहीं जाते, ये हमारी कमर पे होता है। देखें इसने जो भी खाया हुआ है वो अभी देखें, इसने वोमिट किए, जिसको कहेंगे जैसे उगला है, क्यों सांप होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं या फिशेज होती हैं, तो जब ये किसी ख़तरा महसूस करती है तो जो खाया हुआ होता है ये उसको उगल देते हैं, ताकि हम हल्के हो जाएँ, भागने में आसानी हो। ये देखें कितने नाइस साइज़ के ग्रुपर माशाल्लाह हैं, ये एक साथ 4-5 ग्रुपर जो है मैं लेके आया हूँ। उससे क्या होता है, टाइम की बहुत बचत होती है, बार बार आपको बोट के ऊपर आना नहीं पड़ता, तो इसलिए जो फिर जब आप बोट पे आते हैं तो फिर वो जगहें दोबारा जो है ना नहीं मिल पाती। तो ग्रुपर्स को हम एंड करते हैं, और अभी हम लेते हैं कुछ लॉबस्टर। बहुत ज़्यादा आज मुझे जो है लॉबस्टर की लाइफ नज़र आ रही है,
हर केव, हर किसी भी रॉक के नीचे आप देखेंगे आपको लॉबस्टर नज़र आएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये देखें, इसके नीचे मुझे दो लॉबस्टर नज़र आ रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मैं अब इनको जो है ना शूट नहीं करता। पहले ऐसा होता था, मैं ग्रुप पर नॉर्मली हम सेल तो नहीं करते लॉबस्टर को, तो हम जो है इसको फायर से या हम इसको जो है ना शूट करके हम इसको तीर से मार के पंप पकड़ लेते थे। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, पहले नॉलेज इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन ऐसा है कि देखिए, इसमें बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, तो जब आप फायर से शूट करके इनको पकड़ते तो पता नहीं चलता आपका स्पेयर मेल था या फीमेल था। तो मेरा दिल बहुत दुखता है फीमेल्स को पकड़ने में। ऐसा होता नहीं है दुनिया के अंदर, स्पेशली पाकिस्तान में, इतना जो भी है जितने भी अंडे लगे हैं कुछ भी है वो सब आने दो। और वो अंडों के साथ जो होती है तो वो ज़्यादा वेट उठाती है, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि यार वो फीमेल हमें मिले। जबकि मैंने जो है ना, ये बहुत इजी है इसको जो है गन से शूट करना ग्रुपर लॉबस्टर को, लेकिन हाथ से पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं ये मुश्किल काम कर लूँगा, आसान नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे हाथ से कोई फीमेल जो है लॉबस्टर मारी जाए। और वो अकेली नहीं होती, लाखों अंडे उसके साथ होते हैं, तो एक को मारने का मतलब है कि हज़ारों लाखों जाने लेना, तो ऐसा नहीं है। तो आज हम हाथ से ही पकड़ेंगे, हाथ से बहुत मुश्किल है। मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं लॉबस्टर इतने ज़्यादा मैं खाता हूँ बहुत अच्छा और शौक से हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं कैच नहीं करता, क्योंकि अब मैं गन से शूट नहीं करता इनको, तो हाथ से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इसको पकड़ने के लिए। आप देखें, जैसे ये रॉक है, इसके अंदर देखें, आपको देखें, ये मैंने स्पेयर रखा है निशानी के तौर पर, और ये एक स्पेयर मेरा हाथ में है, क्योंकि लॉबस्टर जो होता है वो हमेशा उल्टा चलता है, यानी कि पीछे की तरफ चलता है। तो इसको जो हम पीछे से पुश करेंगे तो ये आगे देखें कितने अच्छे, नाइस, मैच्योर और बहुत ही अच्छे साइज़ के लॉबस्टर 1, 2, 3 आपको नज़र आ रहे हैं। जबकि इधर एक नहीं है, सोयो लॉबस्टर मैं देख रहा हूँ कि हर रॉक के नीचे कुछ ना कुछ बड़ा लॉबस्टर इसमें मौजूद है। लेकिन इसको हम जो है अब देखें, मुझे कन्फर्म हो चुका है इसको मैं अब फिर भी मैं इसको शूट नहीं करूँगा, कि डाउट अगर हो सकता है कि मैं गलत हूँ कि ये फीमेल ना हो। तो हम इसको देखें पीछे तीर से जो इसको पीछे टेल को पुश कर रहे हैं, ताकि ये, क्योंकि ये पीछे अंदर की तरफ चलता है, उल्टा चलता है। तो इसको हमने देखें जिंदा हाथ से पकड़ा है, टेंटिकल्स के टूट गए, और मसला नहीं है क्योंकि हमें इसको तो खाना ही है। तो ये एक लॉबस्टर हमारे पास आ चुका है और दो लॉबस्टर और हैं। और यही नहीं, जितने भी एरियाज़ में इसमें, जितने भी आप एरिया में जितने भी रॉक देख रहे हैं, एक दो हर जो है आपको रॉक के नीचे एक लॉबस्टर, दो लॉबस्टर मिल जाते हैं। तो इसमें फीमेल्स ज़्यादा हैं, जो बहुत बड़ी होती हैं, फीमेल्स काफ़ी बड़ी होती हैं, तो लेकिन उनके एग्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम शूट नहीं करते। हाथ से काफ़ी मेहनत है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। लॉबस्टर भी इतने ज़्यादा नहीं चाहिए, वैसे दो तीन हमने दो पहले पकड़ लें, ये शायद तीसरा लॉबस्टर है, तो ये बस बहुत है मेरे लिए। तो ये देखें, आप देख रहे हैं जैसे, और ये हमारे ग्रुपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आज सिर्फ और सिर्फ आज हम ग्रुपर के लिए आए, तो सारे ग्रुपर हैं, एक ही इसमें स्वीट लीप है। और जैसे आप जानते हैं मेरी वीडियोस अगर आप देखते हैं, कि स्वीट लीप जो है ये अल्लाह ने बनाई सी बारबेक्यू के लिए, क्योंकि ये फुल ऑफ फैट होती है, बारबेक्यू के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा मज़ा है। तो अभी हमने अपनी जैकेट उतार दी है, क्योंकि एक लंबा रास्ता अभी हम जा रहे हैं कचानी की तरफ, साद और उनकी तरफ, तो इतना ज़्यादा अगर इतने लंबे रास्ते तक मैं वेट सूट पहन के रहूँगा तो बहुत ज़्यादा जो है मेरा पसीना निकलेगा, जिससे मेरी किडनीज भी फैल हो सकती हैं। और आप लोग भी याद रखें, जब भी वेट सूट पहने, स्पेशली गर्मी के अंदर अगर, तो कभी भी जो है उसको पहन के बोट पे ना बैठे रहे। उससे होगा क्या कि आपके बॉडी का जितना भी पसीना है वो पानी की सूरत में निकल जाएगा, और जो है आपकी किडनीज फेल हो सकती हैं। तो इसलिए हमेशा आप जब भी वेट सूट पहने, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी में रहें। अगर आपको बोट पे आना है या एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट पे जाना है और बहुत लंबा रास्ता तय करना है, तो कोशिश करें कि अपने वेट सूट को उतार दें। अगर आपके पास प्योर स्पेयर फिशिंग 2-पीस वेट सूट है ओपन सेल, तो वो भी आप उतारें, या अगर आपके पास जिपर आप वेट सूट यूज़ कर रहे हैं तो पीछे से आप अपनी जिप खोल सकते हैं, ताकि हवा लगती रहे और ज़्यादा पसीना आए। देखें, ये सारे लॉबस्टर ज़िंदा है, मैंने आपको बताया कि पहले अब मैं शूट नहीं करता लॉबस्टर को, तो अब जो है मैं जो है हमेशा जो है हाथ से ज़िंदा लॉबस्टर पकड़ता हूँ। तो ये बहुत हो गए माशाल्लाह, एक मेरी कढ़ाई इनकी बन जाएगी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है और अब तो इसका बहुत ज़्यादा रेट है। तो माशाल्लाह ग्रुपर भी काफ़ी हो गए और लॉबस्टर भी काफ़ी हो गए। तो अभी हम जा रहे हैं साथ की तरफ, और अब इस टाइम 4 बज रहे हैं, और साथ मेरी अभी बात हुई है कॉल के ऊपर, और साथ और आतिफ़ वगैरह और ज़िक्रिया, ये सारे कचानी पे डाइव कर रहे हैं, और कचानी पे मैं आ चुका हूँ। और मैंने भी इधर डाइव किया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी यहाँ पे टॉर्च खो गई थी, तो एक्चुअली मैं यहाँ डाइव करने नहीं आया, पहले अपनी टॉर्च देखता हूँ, उसके बाद फिर उनके पास चलते हैं, वो इसी स्पॉट के ऊपर हैं। तो हम एक टॉर्च देखते हैं, क्या पता बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव, आई थिंक 40-45,000 की टॉर्च है मेरी है। तो ये लास्ट 2-3 दिन पहले इधर मेरी जो है टॉर्च गिर गई थी, मुझे पता नहीं चला, बाद में पता चला कि यार वो तो शायद मेरी वहाँ गिर गई है।
तो आज जो है मैं उसी को सर्च करने आया हूँ। तो अभी हम सर्च कर रहे हैं टॉर्च को। वैसे टॉर्चेज हो गए या आपके नाइफ्स हो गए, इनका तो समंदर दुश्मन है। कोई भी चीज़ गिरती है अब कभी भी आपको नहीं मिलती, फिर भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें जो है वो मिल जाए। तो ये देख रहे हैं, ओह नो, वो देख रहे हैं आप सामने क्या चीज़ नजर आ रही है। ओह माय गॉड, अरे बहुत बहुत बड़ा मॉन्स्टर ग्रुपर है इसके। ये देखिए बिल्कुल रॉक के साथ बैठा हुआ है और बिल्कुल ईजिली जाने में बहुत ही स्मूथ है। इस टाइम लाइका फिश बिल्कुल भी इसको नहीं पता चल रहा है, ये बहुत ही गहरी नींद सो रहा है। और देखिए कितना बड़ा इसका हेड है और इसके बिल्कुल परफेक्टली हेड शॉट पर लगा है। और लगा, ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना मेरा दिल कह रहा था कि आज एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मुझे मिलेगा। और साइज देखें इसका, बहुत 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 बड़ा मॉन्स्टर है। तो अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह तबारकुल्लाह के आज बहुत बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो दिल कह रहा था कि वो मिल गया है। और इधर काफ़ी डेप्थ है, आई थिंक 50 to 60, इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन 50 to 60 feet की डेप्थ है। तो मैं काफ़ी दूर हूँ कचहरी से, तो वहाँ पे ही बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर मुझे मिल गया है। आई थिंक ये कोई 50-60 kg के करीब का मुझे मॉन्स्टर लगता है। तो ये माशाल्लाह बहुत ही परफेक्टली शॉट है। वो सामने देखे, वो सामने बोट खड़ी है उनकी, तो उनको भी बुलाते हैं उधर। वो तीनों वहाँ डाइव कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डीप में नहीं आ सकते। तो मैं काफ़ी आइलैंड से काफ़ी जो ऊपर की तरफ आ चुका हूँ। ये आइलैंड छोटा सा एक आइलैंड है जिसको कचानी कहते हैं। ये कईयो आइलैंड छोटा चढ़ना से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर है। तो वहाँ पे ये मैंने शूट किया है। बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और अब मैं उनको आवाज़ें दे रहा हूँ कि जल्दी आओ इधर मेरे पास, इसको संभालो क्योंकि ये बोट बहुत दूर खड़ी हुई है। और दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो है टॉर्च भी है और कुछ ग्रुपर। इससे पहले भी मैंने एक छोटा हिट किया था, वो भी इसी जगह पे जो कमर पे मेरी बंधा हुआ है। अगर इसकी डोर मेरी कमर पे लिपटती है तो ये बहुत मसला हो जाएगा क्योंकि अभी बोट मेरे पास नहीं है। लेकिन ये ग्रुपर बहुत बड़ा ब्लैक, इसको ब्लैक ग्रुपर कहते हैं। ये बहुत ही बड़ा जॉइंट किस्म का ग्रुपर है। अभी आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा क्योंकि हमारा जो फ्रेम रेट है, यानी कि बहुत ही वाइड एंगल हम यूज़ कर रहे हैं गोप्रो का, जिसके अंदर चीज़ें बहुत छोटी लगती हैं। लेकिन जब ये पास आएगा तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा है। बहुत ही नॉर्मल सी मेरी बहुत ही फेवरेट जो गन है उससे मैंने शूट किया। स्पेयर बहुत ही पतला है, जस्ट 6 mm का इसकी जो थिकनेस है मेरे स्पेयर की है। और ये देखें जिसका डर था वो ही हुआ। ये देखें मेरी जो इसकी जो लाइन है वो मेरी टॉर्च में भी लिपट चुकी है और जो मेरी कमर के ऊपर स्टिंगर में जो मेरा ग्रुपर था उसके अंदर भी ये जो है ना बिल्कुल टैंगल हो चुका है। अगर ये बहुत ज़्यादा, वैसे तो ये सेमी डेड हो चुका है क्योंकि बहुत ही परफेक्टली इसका हेडशॉट लगा है। अगर ये एकदम होश में आता है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के नीचे जाता है, जैसे मैंने आपको बताया छोटा ग्रुपर नहीं है, 50-60 kg तक का ग्रुपर है। अगर ये नीचे वापस जाएगा तो ये मुझे लेके जाएगा। मेरी कोई इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने आप को रोक सकूं, तो ये मुझे नीचे लेके जाएगा। और इससे जो है आप भी हमेशा कोशिश करें कि हमेशा, जब भी मैं कहता हूँ कि नेवर डाइव अलोन, हमेशा अपनी बड़ी के साथ डाइव करें। नाइफ का हमेशा यूज़ करें, नाइफ एक नहीं दो भी तो हो तो बहुत अच्छा है। और हमेशा जो है ये टैंगल्स होने से बचें। और ये स्टिंगर हर बंदा यूज़ ना करे, अगर आप प्रो लेवल पे आ चुके तो स्टिंगर यूज़ करें, वरना आप चलती फिरती शार्कों के लिए चारा ना बने जब आपकी कमर पे मछली बंदी होगी। ये देखे सबसे पहले आतिफ मेरे पास आया है, वो बहुत चीख चीख की आवाज़ें देना पड़ी है इनको। वो आतिफ भी आ चुका है और उसके साथ हमजा है, जिक्रिया है, ये जिक्रिया भी है, ये भी बहुत अच्छा हमारा दोस्त है। वो देखिए कईयो आइलैंड आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर आपको कईयो आइलैंड लग रहा है। और ये आतिफ को भी मैंने आवाज़ें देके बुला लिया है। लेकिन माशाल्लाह ये बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, ये आप देख रहे हैं। ये बहुत ही बुरी तरीके से मैं टैंगल हुआ हूँ इस ग्रुप छोटे ग्रुपर्स के साथ। ये जो इसकी लाइन आ रही है मेरी स्पेयर की, मैन लाइन जो है वो देखें इसमें नहीं, बहुत ही बुरी तरीके से इसमें फंस चुकी है। अगर इसको होश आता है और ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के नीचे जाता है तो फिर बहुत ही मसला हो सकता है। मेरे पास नाइफ है, अगर इनकेस खुदा ना खास्ता अगर आपने ऐसा किया और नाइफ नहीं है तो आपकी मौत पक्की है। तो हमेशा जो है बोया का यूज़ करें। बड़े पता नहीं, वैसे पता तो होता नहीं है कि आपको कब क्या चीज़ सामने मिलने वाली है। मैं बोया यूज़ नहीं करता, मैं डायरेक्ट रील यूज़ करता हूँ। मैं बोया बिल्कुल यूज़ नहीं करता, बोया बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है स्पेयर फिशिंग के लिए। अगर आप ब्लू वाटर कर रहे हैं तो परफेक्ट है, लेकिन अगर आप रीफ डाइविंग कर रहे हैं तो बोया लाइन ये कभी भी यूज़ ना करें। लेकिन ग्रुपर देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही माशाल्लाह, इसका हेड देखें, मेरा हाथ देखें, इसकी आई के जितनी तो मेरा जो है पंच है वो खाली। बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर है और ये इसको पकड़ने में मेरी कोई काबिलियत, कोई महारत, कोई ताकत नहीं है। ये सब अल्लाह का करम है जो मिला है, वरना मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं इतने बड़ा मॉन्स्टर पकड़ सकूं। और लेकिन बहुत खुशी हो रही है इतना बड़ा मॉन्स्टर पकड़ के। नॉर्मली इतने ज़्यादा हम शूट नहीं करते मॉन्स्टर को, इतने बड़े मॉन्स्टर को। लेकिन ये जो है केव का मॉन्स्टर नहीं है, ये जो है एक जो है नॉर्मली रॉकी एरिया में रहने वाला लॉबस्टर है। और तो ये खाना बदोश की तरह लाइफ गुजारते हैं, आज इधर है कल किधर है कल किधर है।
लेकिन जो जो ग्रुपर्स आप रैक्स पे देखते हैं मेरे क्लिफ्टन वाली वीडियोस के अंदर, तो उनको मैं शूट नहीं करता क्योंकि इनका वही घर है और वो हमेशा वहीं रहना है उनको। लेकिन इसका साइज देखें, इसका साइड का फिंस देखें, इसका डोर्सल फिंस देखें, इनर फिंस देखें, बहुत ही मॉन्स्टर किस्म का ग्रुपर है। और ये एक देखें, बोट आ चुकी है मेरी, और ये देखें मेरी, मेरा हाथ का पंच देखें, इसकी आइज देखें, बहुत बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सुन ली सुबह से उम्मीद। असल में बात ऐसी है कि ना, मैं क्लिफ्टन पर डाइव कर करके और इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर आप पकड़ पकड़ के ना, अब ये 5-10-15 केजी के मॉन्स्टर बहुत छोटे लगते हैं। तो एक इस एरिया में इतने बड़े नॉर्मली नहीं होते, सीजन में तो होते हैं, विदाउट सीजन नहीं होते, लेकिन सीजन में विदाउट सीजन इतना बड़ा मॉन्स्टर मिल गया है, बहुत खुशी की बात है। जैसे मैंने बताया, इसमें मेरी कोई काबिलियत नहीं है, सब अल्लाह का करम है, आपको भी मिल सकता है, आप बस मेहनत करते रहें अपना। मैंने हिम्मत नहीं आ रही, देखे डाइव कर रहे हैं, सुबह उधर भी डाइव करी लॉबस्टर, वैसे ग्रुपर तो बहुत ज़्यादा हो चुके थे हमारे पास, लेकिन देखिए ये माशाल्लाह, ये इसको किस्मत में था। और अब इसको देखें, होश आने लगा है। इसकी वजह क्या है, अब ये सरफेस के ऊपर आ गया है, तो हल्का सा जो पानी हाथों से और उसकी टेल से जो हिल रहा है, उससे ऑक्सीजन पैदा हो रही है, तो उसको नीचे से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए उसको होश आ चुका है। तो देखिए बहुत बड़ा है, आती बहुत खुश है, मेरा साथ, मेरा दोस्त अभी काफ़ी दूर है, उसको पता भी नहीं, उसको आवाज़ें दे रहे हैं हम, तो वो आ रहा है। ये देखें मेरा पंच देखें और इसकी इसकी आइज देखें, आई थिंक 50-60 के जी तक का ये ग्रुपर है, और ये अभी का मेरा जो है काफ़ी बड़ा ग्रुपर है माशाल्लाह। और ये मेरे दोस्त हैं, ये भी बहुत हैरान परेशान है, पूछ रहे आखिर वक्त ये कहाँ से मिला, रहे कहाँ से मिला यार, आती पानी में ही मिलेगा ना, खुश्की में तो मिलेगा नहीं, तो थोड़ी डीप में था ये, तो मेरी किस्मत में था शायद, तो मुझे नज़र आ गया, लेकिन बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर ग्रुपर है। तो साथ अभी तक नहीं आया है, मैं चाहता हूँ साथ जल्दी जल्दी से आए साथ, ताकि साथ भी देखेंगे कितना बड़ा मॉन्स्टर है। साथ आ गया, ये देखिए ये राइट के ऊपर साथ आया है, और ये बोट भी हमारी जो है रिवर्स आ रही है हमारे पास, और ये देखिए साथ भी आ चुका है। और मैं इनसे कह रहा हूँ यार देखो, अब इसको जो है ना ये थोड़ा क्या कहते हैं इसको, होश आने लगा है, और मैं बहुत बुरी तरीके से टैंगल हूँ, अगर ये नीचे जाएगा तो यार ये मुझे खींच के लेके जा सकता है, तो मुझे पकड़ना अगर ये बहुत स्पीड में नीचे जाए तो। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हो गई। ये साध आपको ये जो बीच में दिख रहा है, ये साध है लेफ्ट के ऊपर जो है वो आतिफ है, और पीछे जो है ये ज़िक्रिया है। ये तीनों माशाल्लाह जब आए थे तो बहुत ही नॉर्मल से ड्राइवर थे, और यानी बिगनर्स लेवल पे थे, तो ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप जितना ज़्यादा जाते हैं उतना ही, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते हैं उतना ज़्यादा ही सीखते हैं, तो अब ये माशाल्लाह प्रो लेवल पे भी आने लगे हैं। आदि भी एक अच्छा ड्राइवर है, और साथ का तो आप जानते ही हैं कि हमेशा मेरे साथ होता है, यूसुफ भाई होते हैं, और ज़िक्रिया बहुत कम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम ज़िक्रिया भी हमारे साथ हो, लेकिन आज ज़िक्रिया भी साथ ही हैं, इन्हीं के साथ ये तीनों निकले थे। तो देखें ये बोट आ चुकी है, वो पीछे छोटा सा जो आइलैंड नज़र आ रहा है इसको कचियानी आइलैंड कहते हैं, और ये बिगनर्स लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है, बहुत ही डेंजर जगह है। तो अभी कभी आप अकेले हैं या बहुत ही बिगनर आप लेवल के ऊपर हैं, तो इस एरिया में ना आए, आप चढ़ना आइलैंड जाएँ, वो हमेशा विजिबिलिटी भी अच्छी मिलती है और हर किस्म की आपको डेप्थ मिलती है। अगर आप बहुत बिगर बिल्कुल न्यू कमर हैं, न्यू बिगनर लेवल पे, तो आप बहुत ही कम डेप्थ की भी आपको उधर सरफेस मिल जाती है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। तो ये माशाल्लाह देखिए कितना बड़ा ये मॉन्स्टर ग्रुपर है। तो वो गाफ जो है वो मैंने इससे कहा है कि इसको डालें इसके माउथ के अंदर, और आंकड़ा हम इसके मुँह में डाल के इसको उठाएंगे, और ग्रुपर बहुत ही नाइस साइज का, ये छोटा ग्रुपर है, ये कमर पे है मेरी, और ये अभी तक जो है ना मेरी लाइन बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा जो है इसके अंदर जो लिपट के टेंगल हो चुकी है, उलझ चुकी है। तो इनको अपने फ्रेंड्स को कहा है कि हम अगर ये फोर्स लगा के नीचे जाता है, और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह तबारकुल्लाह आज अब देखें इसका ये जो है हमने इसके आंकड़े मार दिया, इसको हम लोकली आंकड़ा कहते हैं गाफ को, ये लग चुका है, तो अब ये हमारा दिल मुतमईन कि हम सिक्योर है कि इंशाल्लाह ये 60-80% तक ये कामयाब हो चुके हैं। लेकिन जब तक वो फिश बोट में ना आए तो कभी यकीन नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, कभी किस्मत में तो कभी नहीं आएगी। ये देखें इसका माउथ देखें कितना बड़ा इसका माउथ है। बैटरी भी अल्लाह का शुक्र है, बैटरी के अंदर आई थिंक कोई 3-5 पॉइंट जो है मेरी बैटरी के 100 में से रह गए, वो तो अल्लाह का शुक्र है कि इस फुटेज मुझे मिल गई इसकी, तो अगर नहीं होती तो ये बिल्कुल भी शूट नहीं होता, क्योंकि मैं जो है दूसरी बैटरी मेरी GoPro उसकी चार्ज नहीं थी, तो मैं एक ही बैटरी लेके आया था। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे बीप दे रहा है मेरा कैमरा कि यार बैटरी लो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारा काम अभी तक चल रहा है, सब मिल गया है। और जैसे मैं कहा था कि आज हम ढूंढे के अंदर हैं, और इसको हम डूंडा कहते हैं, बेसिकली ये लाइफ बोट्स होती हैं जो शिप्स पे लगी होती हैं, तो इस पे चढ़ना उतरना डाइवर के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। स्कूबा डाइवर तो स्टेयर्स का सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम नहीं करते, तो इस पे चढ़ना जो है बहुत ज़्यादा हाइट होती है, फिर कमर पे वेट बेल्ट होती है, काफ़ी वेट होता है, तो काफ़ी मुश्किल होता है।
लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस फिश के साथ इसको देखने के बाद, तो इजीली हम चढ़ चुके हैं नीचे। आतिफ साद और जिक्रिया नीचे ही मौजूद हैं, और तो ये अकेला तो इससे उठ नहीं रहा है, मुझे कह रहा कि भाई हाथ साथ लगाएं। ये देखें इसका माउथ देखें और इसका डोर्सल फिन देखें, कितना हैवी किस्म का ग्रुपर है। तो ये छोटा वाला जो टैंगल है इसको हमने अब ऊपर जाके अभी निकाल लिया है पानी के अंदर, तो बहुत कोशिश के बाद भी जो है वो उलझ ही रहा था मुसलसल और वो रिलीज़ नहीं हो रही थी लाइन, लेकिन अब अभी रिलीज़ हो चुकी है। ये छोटा ग्रुपर हमने उतार लिया, अब हम इसको उतारेंगे इंशाल्लाह। अब दोनों मिलकर इसको उठाएंगे, क्योंकि अगर हम बहुत बड़ा हमने कांटा इसके मुंह में डाला है वो सीधा हो सकता है इसकी वेट की वजह से, तो हमें दोनों मिलके इसको फोर्स लगा के उठाना पड़ेगा। मेरे अंदाजे से तो ये 50 केजी तो प्लस तो है, ये 60, 58, 60, 62 केजी तक का ये ग्रुपर है इंशाल्लाह। उम्मीद तो यही है। ये देखिए इसका साइज़ देखिए आप, ओह माय गॉड, जैसे आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा वाइड एंगल में यूज़ कर रहे हैं, अब देखिए आप, ये देखिए बहुत बड़ा जानवर है। तो इंशाल्लाह इसी तरह साथ रहे, बहुत मज़ा आया। बैटरी मेरी ख़त्म होने वाली है, खुशी का आलम देखे, मैं चीख रहा हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद जो है इतना बड़ा मॉन्स्टर मिला है। तो दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले, एक बहुत ही ख़ास चीज़ आपको दिखाने वाले जिसका आप सोच भी नहीं सकते, आपको ऐसी चीज़ दिखाने वाले जिसको देखने के बाद आपको अपने मुल्क से और ज़्यादा फख्र प्यार हो जाएगा, और इस पर आप और ज़्यादा प्राउड और ज़्यादा आप इस पर फख्र करेंगे। तो शाम हो चुकी है, वापसी आते आते देखिए कितना खूबसूरत मंजर है इस टाइम, सनसेट हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा रेडिश जो है आज लाइट है इसकी। ये सामने आपको चढ़ना लाइट दिख रहा है, हम गडानी की तरफ से वापस आ रहे हैं। तो अपना ख्याल रखें, इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक अल्लाह हाफिज़।